नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अर्श अंसारी। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। नागरिकों ने आरोपी को पकड़ा, पीड़िता वैन में रो रही थी, उसकी आवाज सुनकर परिसर के नागरिकों ने आरोपी को पकड़ा। वो पुलिस स्टेशन ले गए, साथ ही पीड़िता के पालकों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद बच्ची की मां ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। टीम इंडिया की जीत बता रहे बुकी। भारत ऑस्ट्रेलिया मुकाबले को लेकर जहां क्रिकेट प्रेमियों में रोमांचक दिखाई दे रहा है, वही क्रिकेट बुकी में उत्साहित है। मुकाबला होने के साथ बुकी भारत की जीत की भी उम्मीद लगाए हुए है। बुकी के कई दिनों बाद गेंदबाज पर उतरने वाले जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी का भारत को लाभ होने का बता रहे हैं। शुक्रवार को जामठा में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होने वाला है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की घोषणा की है, इससे क्रिकेट प्रेमियों और आयोजक दोनों ही चिंतित नजर आ रहे हैं। तीन मुकाबले की इस श्रृंखला में भारत को मोहाली मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इस वजह से यहां मुकाबले बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। क्रिकेट बुकी भी इस मुकाबले में भारत की जीत का दावा कर रहे हैं। भारत की जीत का भाव 66 पैसे रखा गया है, यानी 1 रुपए का दावा करने वाले को भारत की जीत पर 66 पैसे मिलेंगे। वही ऑस्ट्रेलिया की जीत का रेट 1.40 रुपए है। मोहाली मुकाबले में भारत की जीत का भाव 60 पैसे था। जीत की संभावना बढ़ जाने से भाव में 6 पैसों का उछाल आया है। इसी तरह येलो अलर्ट के बावजूद क्रिकेटरों को मुकाबला होने का भरोसा है। मुकाबला होने पर दाव लगाने वालों को 1.4 पैसे, जबकि नहीं होने पर दाव लगाने वालों को 1.5 पैसे का भाव दिया गया है। हालांकि इस भाव में शुक्रवार को मुकाबला आरंभ होने के पहले तक बदलाव हो सकता है, ये क्योंकि बीच इस चोरी भाव का कहा जाता है। नागपुर मुकाबला होने से सट्टेबाजी भी काफ़ी होने का अनुमान है। मोबाइल पर आईडी बनाकर कई इलाकों में क्रिकेट बुकी घूम रहे हैं, जिन्होंने परंपरागत बुकिंग को ठंडा कर दिया है। कबाड़ से बना नाका क्यों नहीं हटा। नागपुर से सावनेर के बीच एक सबसे घटिया स्तर का टोल नाका है। नियमानुसार ये नाका कई साल पहले ही सावनेर के पास स्थानांतरित हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस तरह का नाका शायद ही कहीं और दिखाई देता है। नियम के मुताबिक इससे सावनेर की ओर और स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो इस मामले में जिम्मेदारी विभागी सवाल या निशान ने के घेरे में आ गया है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News एप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS News पर। नमस्कार।